गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। एज यू नो स्टूडेंट्स, आवर सेकेंड चैप्टर, चैप्टर नेम लेट्स लर्न प्राणायाम, वी हैव रीड। यानी कि हमारा, जैसा कि आपको पता है, सेकेंड चैप्टर लेट्स लर्न प्राणायाम को हमने कंप्लीट रीड कर लिया है, राइट। एंड अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटीज, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट इज पुट द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ प्राणायाम इन करेक्ट ऑर्डर। स्टूडेंट्स, जो ये पिक दी गई है हमें, इनको हमें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। यानी कि इन पिक्स को हमें बताना है कि ये प्राणायाम की जो स्टेज है, इसमें फर्स्ट स्टेज कौन सी होगी। यानी फर्स्ट पोज, जब हम प्राणायाम को स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट पोज कौन सा लेते हैं, सेकेंड पोज कौन सा लेते हैं, थर्ड पोज कौन सा होता है, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ पोज कौन सा होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, इन पिक में से जब हम प्राणायाम को स्टार्ट करते हैं, देन हमें फर्स्ट पोज कौन सा लेना होता है, देन हम इस वाली पोज को स्टार्ट करेंगे पहले, राइट। देन हम इस पिक को फर्स्ट नंबर देंगे, ओके। एंड सेकंड पोज हम कौन सा लेते हैं स्टूडेंट्स, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन। ब्रीथिंग इन की जो प्रोसेस है वो हमें उसके बाद करनी होती है, ओके। सो ब्रीथिंग इन कौन से में, ये वाली, देन इसको हम नंबरिंग देंगे 2। एंड उसके बाद हमें क्या करना होता है स्टूडेंट, जो ब्रीथिंग है उसको होल्ड करना होता है ना, द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ। यानी कि जो प्रोसेस, यानी कि जो ब्रीथ को होल्ड करना, यानी रोक के रखने की जो प्रोसेस है वो हमें थर्ड में करनी होती है, जो हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे पिक नहीं है। एंड उसके बाद हमें जो प्रोसेस होल्डिंग द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ से नेक्स्ट जो प्रोसेस होते हैं वो कौन से होते हैं, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट। यानी कि ब्रीथ, सांस को बाहर निकालना, ये वाली प्रोसेस होती है। तो इसमें कौन सी, थर्ड नंबर ये वाली होगी, इसमें ब्रीथिंग को आउट किया जा रहा है, राइट। देन ये थर्ड, उसके बाद हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, जो हम जिस नोज से हम ब्रीथिंग इन कर रहे हैं ना, यानी कि इसमें राइट से हम ब्रीथिंग, राइट जो नोस्ट्रिल है स्टूडेंट्स, इससे ब्रीथिंग को आउट किया जा रहा है। तो राइट से ही हम अगेन क्या करेंगे, इन करेंगे, राइट। देन हमें क्या करना होता है, देन इस वाली पिक में राइट से ब्रीथिंग इन प्रोसेस कौन से वाली में हो रही है, इस वाली में, राइट। देन हम इसको नंबरिंग देंगे 4th, ओके। एंड उसके बाद हमें ब्रीथिंग आउट करना उसे अपोजिट नोस्ट्रिल से, देन इसको हम देंगे नंबरिंग 5, ओके। देन स्टूडेंट्स, हमने इसको फर्स्ट नंबरिंग दिया, एंड इसको नंबर 2, एंड ये नंबर 3, ओके। सो स्टूडेंट्स, आपको इन पिक को फर्स्ट हमें कौन सा पोज लेना है उसको नंबर फर्स्ट देना है, एंड उसके बाद सेकंड प्रोसेस जो हमें करनी होती है उसको नंबरिंग 2 देना है, उसके बाद नंबरिंग, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं उसको नंबरिंग 3rd, एंड उसके बाद 4th एंड 5th, ओके। देन आपको अपनी बुक में स्टूडेंट्स इन पिक को नंबरिंग देना है, करेक्ट नंबरिंग देना, ओके। एंड स्टूडेंट्स, एक्टिविटी भी मैच द नेम्स विद द पिक्चर्स। इन पिक्चर्स को देखकर आपको जो नेम होते हैं इनके, कि इन इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ब्रीथिंग इन प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट को क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग होल्ड को क्या कहते हैं, वो हमने लेसन में रीड किया था ना। देन आपको वही, आपको इनको मैच करना है, ओके। एंड आपको पता है कुंभक क्या होता है स्टूडेंट्स, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग होल्डिंग, है ना, होल्ड। ब्रीथिंग को होल्ड करने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कुंभक, राइट। देन इसमें प्रोसेसिंग होल्ड वाली कौन सी पिक्चर है, ये वाली ना, देन इनको आपको मैच करना है, ओके। एंड रेचक, रेचक क्या होता है स्टूडेंट्स, रेचक होता है द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट, राइट। ब्रीथिंग को आउट करना, ये वाली प्रोसेस होती है रेचक। देन इसमें ब्रीथिंग आउट कौन सी में हो रही है, इस वाली में, देन इसको और रेचक को हम मैच कर देंगे, ओके। एंड नेक्स्ट कौन सी है, यानी कि प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, पूरक, राइट। देन इनको हम मैच कर देंगे
ब्रीथिंग इन वाली प्रोसेस कौन सी है, पिक्चर है ये वाली, देन इसको और इसको मैच कर देंगे। ओके जो ट्रू स्टेटमेंट है जो सही कथन है उसके लिए हमें टी लेटर लिखना है, एंड जो फॉल्स स्टेटमेंट है जो गलत कथन है उसके लिए हमें एफ लेटर लिखना है। ओके यहाँ पे फिल करना है। ओके तो फर्स्ट है शिवम वेंट टू द पार्क विद राजू वन डे, कि शिवम एक दिन राजू के साथ पार्क में गया, देन ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फॉल्स है, बिकॉज शिवम किसके साथ गया था, नितिन के साथ गया था, राइट। देन हमें यहाँ पे फिल करना है एफ लेटर। ओके एंड सेकंड, दे सो सम पीपल मेकिंग पोस्चर इन द मिडल ऑफ द पार्क, कि उन्होंने देखा, हमने लेसन में किसका किया था, किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, शिवम एंड नितिन के लिए, कि उन्होंने देखा कि कुछ लोग है वो मिडल ऑफ द पार्क में क्या कर रहे हैं, अलग अलग डिफरेंट पोस्चर बना पोज ले रहे हैं, डिफरेंट पोज ले रहे हैं ना, देन वो भी क्या, ये क्या था, वो ट्रू था कि उन्होंने देखा ना, देन ये क्या हो जाएगा ट्रू, देन यहाँ पे आपको फिल करना है स्टूडेंट्स टी लेटर। ओके एंड नेक्स्ट क्या है, द कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रीथ इज कॉल्ड प्राणायाम, कि प्राणायाम क्या होता है कि सांस को नियंत्रण करना, कि हम इस सांस को हम अंदर लेते हैं उसके बाद उसको होल्ड करते हैं उसके बाद उसको वापस छोड़ते हैं, यानी कि सांस को नियंत्रण करने की जो प्रोसेस है जो प्रक्रिया उसको हम बोलते हैं, सांसों को नियंत्रण करने को हम कहते हैं प्राणायाम। देन ये क्या है स्टूडेंट्स, ट्रू है, यहाँ पे आपको टी फील करना। ओके एंड नेक्स्ट, प्राणायाम इंक्रीज आवर हार्ट रेट, कि हम प्राणायाम वो हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, देन प्राणायाम क्या करता है स्टूडेंट्स, रिड्यूस करता है ना, देन ये क्या हो जाएगा फॉल्स। ओके एंड इवनिंग इज द बेस्ट टाइम टू डू प्राणायाम, कि इवनिंग टाइम है जो शाम का टाइम है वो प्राणायाम के लिए बेस्ट होता है, नो आपको पता है मॉर्निंग टाइम बेस्ट होता है ना, देन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे फॉल्स। स्टूडेंट्स एंड नेक्स्ट है, कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ, कि कुंभक का वो यानी कि अपनी होल्डिंग प्रोसेस यानी ब्रीथ को रोकना, रोकने की जो प्रोसेस है जो प्रक्रिया है उसको हम कुंभक कहते हैं, देन ये भी क्या स्टूडेंट्स, ट्रू है, देन यहाँ पे हमें फील करना है ट्रू। ओके देन स्टूडेंट्स ये आपको ये ट्रू फॉल्स आपको बुक में फील करना है। ओके एक्टिविटी सेकेंड, जिसमें फर्स्ट क्या है, फिल द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स गिवन बिलो, कि स्टूडेंट्स ये वर्ड्स दिए गए हैं इनको हमें क्या करना है, ये इसमें कुछ लेटर्स है वो मिसिंग है इन वर्ड में वो हमें फिल करने हैं यहाँ पे। ओके सो फर्स्ट के ये वर्ड मीनिंग क्या है, नोस्ट्रिल, यानी कि नोस्ट्रिल का राइट क्या होता है, एन ओ एस टी आर आई एल, नोस्ट्रिल राइट। देन आपको यहाँ पे फिल करना है एन के बाद आपको ओ फिल करना है एंड आर के बाद आपको यहाँ पे आई फिल करना है, देन ये क्या हुआ एन ओ एस टी आर आई एल। ओके ये बन जाएगा नोस्ट्रिल। ओके एंड सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है ब्रीथ, तो ब्रीथ का क्या होता है स्टूडेंट्स, बी आर ई ए टी एच ई ब्रीथ, देन यहाँ पे आपको क्या फिल करना है, आर के बाद आपको फिल करना है ई ए, यानी कि यहाँ पे आपको फिल करना है आर ई बी आर ई ए, ई ए फिल करना है एंड यहाँ पे ई फिल करना है। ओके देन नेक्स्ट कौन सा है, थाई, टी एच आई जी एच, देन इसमें आपको स्टूडेंट फिल करना है आई। ओके आई लेटर है वो फिल करना है इसमें। एंड फोर्थ वाले में क्या करना है, फोर्थ वाला है थंब, टी एच यू एम बी, ओके यानी कि अंगूठा, देन यहाँ पे आपको यू फील करना है, टी एच यू एम बी। ओके एंड नेक्स्ट है एंकल, ए एन के एल ई, इसमें स्टूडेंट्स फिफ्थ वाले में आपको क्या करना है, एंकल, ए एन के एल ई, यानी कि यहाँ पे आपको फील करना है के। ओके
एंड नेक्स्ट वाले में क्या फील करना स्टूडेंट्स, इसमें फील करना है रिलीज। ये वर्ड क्या है, रिलीज, आर ई एल ई ए एस ई, ये होता है स्पेलिंग रिलीज का। देन आर के बाद आपको लिखना है ई, आर ई एल है इसमें, एंड उसके बाद लिखना है आपको ई ए फील करना, ओके, एंड एस ई आगे दिया हुआ है, देन ये बन जाएगा अगेन, आप रिपीट करो आर ई एल ई ए एस ई, ओके, ये हो जाएगा वर्ड मीनिंग रिलीज का। देन आपको यहाँ पे फिल करना है ई, एंड यहाँ पे आगे करना है आपको ई ए, एंड इसमें करना है ई ए, ओके, यहाँ पे। एंड स्टूडेंट्स नेक्स्ट है अपना कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि कुंभक क्या होता है, कुंभक किस प्रोसेस को कहते हैं, रेचक किस प्रोसेस को कहते हैं, एंड पूरक किस प्रोसेस को कहते हैं। स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, ओके, कि हमने लेसन में भी पढ़ा है और अभी हमने जो प्रोसेस थी है ना, अभी जब हमने एक्टिविटी को स्टार्ट किया था वहाँ पे भी हमने ये वाला किया था कुंभक रेचक वाला ना, देन ये वाला आपको कंप्लीट करना है, ओके। यानी कि अभी मैं कुंभक किसको कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथिंग ब्रीथ, यानी कि द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ वो क्या होता है, कुंभक होता है। देन यहाँ पे आपको लिखना है द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ, ओके, एंड नेक्स्ट में आपको क्या लिखना है, रेचक में द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट, ओके, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट, इसमें रेचक वाले में लिखना है, एंड पूरक वाले में क्या लिखना है, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन, ओके, जो हमारी बुक में दिया गया है।